इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम अदर एलिमेंट्स। अब बता रखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आपको पता है के एल एम एन ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल। अब नोबेल गैसेस को पता है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन सी 900 ओम, तो तीन ही को दे रखा है हीलियम नियॉन आर्गन जो आपको पढ़ना है। तो ना एटॉमिक नंबर 2 इसका, 10 इसका 18, तो 2 यहीं पे हो गया 2, नियॉन का 2 8 10 हो गया और आर्गन का 2 8 8, मतलब इसकी ऑक्टेट जो है फुलफिल है। ये नोबल गैसेस इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, मतलब ये इनर्ट हैं, इनके पास ऑलरेडी इनके ऑक्टेट जो है फुलफिल्ड हैं, ठीक है। क्रिप्टन जिनॉन रेडॉन भी होता है 3, तो वो अभी नहीं पढ़ना है आपको, बस याद रखना है उनके एटॉमिक नंबर जो कि पीरियोडिक टेबल वाले सेक्शन में आएगा। अगला जो है मेटल्स, जैसे सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनियम पोटेशियम कैल्शियम, तो सोडियम का 11 होता है तो इसका 2H1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है 2H2, एलुमिनियम का 13 होता है 2H3 और पोटेशियम का 19 होता है 2H1, इसमें एन वाले में 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कैल्शियम का 2882 20 होता है इसका। तो अब जो नॉन मेटल्स हैं इसका देखेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो इसका 7 8 9 15 16 17 एटॉमिक नंबर है ये, कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन, तो 2 5 7 हो गया, 2 6 इसमें हो गया, 2 7 हो गया 9 और 2 8 5 15 हो गया, 2 8 6 2 8 7, ठीक है, क्लोरीन का हो गया। आप इसको याद कर सकते हो।